जी शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में भी हमारा जो पहला चैप्टर है वो है फंडामेंटल। ये फंडामेंटल चैप्टर सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, और सारी की सारी जो बेसिक चीजें हैं पार्टनरशिप की, जो बुनियादी बातें हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई है। यानी अगर ये चैप्टर आपने पढ़ लिया तो बुनियाद आपकी मजबूत हो जाएगी, पार्टनरशिप बहुत अच्छे से समझ में आएगी, आगे जितने भी चैप्टर्स हैं यूनिट में वो सारे के सारे चैप्टर्स आपके क्लियर रहेंगे। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन के लिए हमारे पास एक एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि आप पार्टनरशिप किसको कहेंगे। इस सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस, बिटवीन टू और मोर पर्संस। अभी फिलहाल यहां रखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे दो मिनट के बाद। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है, एक समझौता है, एक संबंध है, एक रिश्ता है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, यानी कम से कम दो लोगों का होना तो जरूरी है। अगर दो लोग नहीं है तो वो रिलेशन नहीं हो सकता। कोई आदमी अकेला अपने आप का पार्टनर नहीं होता। मैं कहूं कि मैं मेरा पार्टनर हूं, मैं मेरा दोस्त हूं, ये तो नहीं हो सकता ना। दोस्ती के लिए, किसी भी रिलेशन के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। तो यहां पार्टनरशिप के रिश्ते में दो लोगों का होना जरूरी है। और मोर, मोर मतलब ज्यादा, कितने ज्यादा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। अभी यही छोड़ते हैं इसको। Who have agreed, जो कि राजी हो चुके हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजी होना, अग्री होना। अगर पार्टनर्स राजी नहीं है तो पार्टनरशिप तो हो ही, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां पर क्या है कि पार्टनर्स का राजी होना जरूरी है, उनका सहमत होना जरूरी है। पार्टनर्स राजी हो चुके हैं, पार्टनर्स सहमत हो चुके हैं किस चीज के लिए, टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटने के लिए, प्रॉफिट के बंटवारे के लिए पार्टनर्स राजी हो गए। और प्रॉफिट किसका है, बिजनेस का, बिजनेस के उस प्रॉफिट को बांटने के लिए पार्टनर्स राजी हो चुके हैं। कैरीड ऑन बाय ऑल, कैरीड ऑन बाय ऑल, जिसका संचालन, उस बिजनेस का संचालन, कैरी ऑन मतलब बिजनेस को चलाना, उसका कैरी ऑन जो होगा, बिजनेस का जो संचालन होगा, बिजनेस को जो चलाया जाएगा वो किसके द्वारा चलाया जाएगा, बाय ऑल, सभी पार्टनर्स के द्वारा। मान लीजिए तीन पार्टनर हैं एक फर्म में, एक आप हैं, एक मैं हूं और एक ये मेरा पेन, इसको पार्टनर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आप, ये पार्टनर और एक मैं पार्टनर, हम तीन पार्टनर्स ने मिलकर के एक बिजनेस शुरू किया। हम तीनों एक बिजनेस करते हैं, तीनों का हमारा एक काम है। काम समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम केले बेचते हैं, फ्रूट मार्केट में केले का ठेला है हम तीनों का, आपका भी, इस पार्टनर का भी और मेरा भी। अब होता क्या है, हम तीनों ने अपने काम बांटे हुए हैं। मान लीजिए आप खड़े होकर के मार्केट में बेचते हैं, मान लीजिए जो ये पार्टनर है पेन, इसका काम है ये जो जहां से मार्केट से वो मिलते होंगे होलसेल में, वहां से लाने का काम इसका है। मेरा क्या काम है, मैं ठेले के पास खड़ा रहता हूं, जब कोई कस्टमर आता है उनसे पेमेंट लेना और उनका रिमेनिंग अमाउंट, बैलेंस अमाउंट उनको देना, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो हमने अपने काम को बांट लिया, बिजनेस को जो चलाया जा रहा है, बिजनेस का जो कैरी ऑन किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है, बाय ऑल, सबके द्वारा। आप भी करेंगे, ये जो पेन एक पर्सन है, इसको मानते हैं पर्सन है, ये कि पार्टनर है, ये भी करेगा, मैं एक पार्टनर हूं, मैं भी करूंगा। और या तो ऐसे होगा या फिर क्या, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल,
या उनमें से कोई एक सबके लिए काम करेगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए तीन लोग काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, ये वाला पार्टनर भी काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं, तो तीन तीन लोग काम कर रहे हैं। अब काम कोई खास हो नहीं रहा। मान लीजिए आपने कहा कि नहीं भाई तीनों पार्टनर्स काम नहीं करेंगे, ये वाला पार्टनर्स का नाम मान लीजिए पेन, इस पेन को घर भेजो, मेरा नाम जावेद, आपने कहा जावेद आप भी जाओ, मैं भी चला गया, ये भी चला गया, आप अकेले सारा काम कर रहे हैं। अगर आप ही मार्केट से होलसेल में जहां से खरीद कर लाने हैं, लाने का काम भी आप कर रहे हो, ठेले पर खड़े होकर आवाज भी आप लगा रहे हो, कस्टमर से जो पेमेंट लेनी है या उनका अमाउंट जो रिफंड करना है या उनका बैलेंस अमाउंट पे करना है, वो सारे काम भी आप कर रहे हो, तीनों काम आप कर रहे हो हम सबकी तरफ से, तो एनी वन ऑफ देम उनमें से कोई एक एक्टिंग फॉर ऑल सबके लिए काम करेगा। यानी बाकी सारे पार्टनर्स अलग साइड में हो गए, वो आराम कर रहे हैं, एक पार्टनर सबके लिए काम कर रहा, तो ये भी पार्टनरशिप। यानी अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, इतनी बात क्लियर है। हु हैव अग्रीड, जो कि राजी हो चुके हैं, सहमत हो चुके हैं, किस चीज के लिए, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए। कैरीड ऑन बाय ऑल, जो सबके द्वारा चलाया जाएगा, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कोई एक सबके लिए काम करेगा, इतनी बात क्लियर। आगे चलते हैं, अब इसी डेफिनेशन के बाद एक टॉपिक आता है, आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की बात करेंगे, पार्टनरशिप से रिलेटेड थ्योरी, छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी बात करते हैं। पहले चलते हैं इस डेफिनेशन के बाद फीचर्स की बात करेंगे कि जी पार्टनरशिप की फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या है, पार्टनरशिप की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। चलिए जी, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन से ही मिल जाना है सब कुछ। सबसे पहले चीज क्या, पार्टनरशिप क्या, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, टू और मोर पर्सन, पार्टनरशिप में कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है, यानी मिनिमम है टू और मैक्सिमम कितने हैं, मोर कितने हैं। मैंने आपसे बोला कि ये मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट कीजिएगा कि मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। चलिए जी, नंबर टू, वहां पर क्या है, पार्टनर्स का अग्री होना बहुत जरूरी है, तो यानी अग्री होने का मतलब है उनके बीच में कोई अग्रीमेंट बनना चाहिए, कोई राजीनामा बनना चाहिए, कोई सहमति पत्र बनना चाहिए, जिससे पता चले कि हाँ ये किस किस बात के लिए राजी हुए हैं। टू शेयर द प्रॉफिट, यानी क्या होता है तीसरी चीज, प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनरशिप में प्रॉफिट का बंटवारा होता है। अगर मान लीजिए एक आदमी काम कर रहा है, हम तीन पार्टनर हैं, आप पार्टनर हैं, मेरा ये पेन पार्टनर है, मैं पार्टनर हूं, तीनों पार्टनर हैं, काम आप करते हैं सारा का सारा, और प्रॉफिट भी सारा का सारा आप ही लेकर के चले जाओ, तो क्या पार्टनरशिप कहलाएगी, नहीं। अगर हम पार्टनर हैं तो हमारे बीच में प्रॉफिट का बंटवारा होगा, प्रॉफिट बटेगा, काम भले ही आप करते हो, और सिचुएशन आएंगी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आगे चलते हैं, प्रॉफिट की शेयरिंग हो गई है। चलिए जी, एक डेफिनेशन के में भी है ये चीज के, कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम फॉर एक्टिंग फॉर ऑल, इसको हम छोड़ते हैं, अभी लेंथी पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट लेते हैं, लीगल बिजनेस, यानी जो भी बिजनेस हम करेंगे वो लीगल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इलीगल काम करना हम शुरू कर दें। अब लीगल और इलीगल का मतलब क्या समझ लीजिए बच्चे, मान लीजिए आप पार्टनर हैं, ये पेन पार्टनर है और मैं पार्टनर हूं, हम तीनों पार्टनर हैं, हम तीनों ने क्या करा, एक संबंध बनाया, हमारा रिलेशन बन गया, एक काम हो गया, दो से ज्यादा लोग हो गए, दो लोग या दो से ज्यादा हो गए, ये बात भी क्लियर हो गई, हम राजी हो गए किस चीज के लिए कि आप और मेरा ये पेन, आप दोनों जाओगे, आप दोनों जाकर के चोरी करोगे, चोरी का सारा माल लेकर मेरे पास आओगे, और उस माल को लाने के बाद उस प्रॉफिट को हम बांट लेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग भी होगी, मैं उस प्रॉफिट को बांट कर आप सबको दे दूंगा। यानी राजी भी हैं, आप काम कर रहे हैं चोरी का माल ला रहे हैं, ला करके उस पैसे को या वो जो भी हमारे पास जो ज्वेलरी या जो भी लूट का माल होगा वो सारा का सारा हम बांट रहे हैं, यानी शेयरिंग भी हो रही है, एक्टिंग फॉर ऑल या कैरी ऑन बाय ऑल, सबके द्वारा काम चल रहा है, ये बात भी क्लियर है। क्या ये पार्टनरशिप है, ये बिजनेस ही नहीं है, पार्टनरशिप तो बहुत दूर की बात है। तो यहां पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या, लीगल बिजनेस, बिजनेस जो है वो होना चाहिए जिसकी परमिशन हमारे देश में हो उस काम को करने की, तो हमारे देश में चोरी करने की परमिशन ही नहीं है, वो तो इलीगल काम है, वो तो क्राइम है। तो ये हमने जो पॉइंट डाला है लास्ट में, लीगल बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। अब बात करेंगे अग्रीमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, जो अग्रीमेंट होता है, जो राजीनामा होता है जिसके लिए पार्टनर सहमत हो जाए, वो दो तरीके से किया जा सकता है, एक चीज मौखिक बोल करके यानी ओरल,
और दूसरी चीज लिख करके यानी रिटन। यानी अग्रीमेंट दो तरह से बन सकता है हमारा, एक हो सकता है ओरल यानी बोल करके, और एक हो सकता है रिटन यानी लिख करके। फायदा किस में है? मेरे हिसाब से तो ओरल में है। उसका रीजन ये है, टाइम कम लगेगा, लिखोगे, पेन का इस्तेमाल करोगे, पेपर का इस्तेमाल करोगे, ज़रा सी देर लगती है, बोलो काम ख़त्म हो गया। या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिटन में ही बेनिफिट है, क्योंकि हमारे पास एक एविडेंस रहेगा, एक प्रूफ रहेगा कि हाँ हमने ये चीज़ तय करी थी, हमने इन इन बातों पर अग्रीमेंट बनाया था, ये हमारी सहमति थी, वो रिटन अग्रीमेंट से पता चल जाएगी। तो चलिए बच्चे, रिटन अग्रीमेंट में क्या होता है, क्योंकि रिटन अग्रीमेंट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसका नाम बदल लिया जाता है, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। नाम याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पार्टनरशिप डीड। आपसे कोई पूछे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, सिंपल सा आंसर, रिटन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स के बीच में लिखा हुआ अगर सहमति पत्र है, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। बात क्लियर है? चलिए जी आगे बात करते हैं कि एक पार्टनरशिप डीड में होना क्या क्या चाहिए। अकाउंटिंग के नजरिए से होता तो बहुत कुछ है, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहां पर हम नॉर्मल सी बातें करेंगे जो अकाउंट्स में हमारी मदद करें। उसमें नंबर वन होगा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कि हम लिख सकते हैं कि एक पार्टनरशिप में अगर तीन पार्टनर्स हैं तो उनका कितना कितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होगा। मान लीजिए ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, वो लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज यहां पर लिखा हुआ होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि भाई जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में शेयर किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट को किस रेशो में शेयर किया जाएगा, किस रेशो में बांटा जाएगा, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड में। नंबर थ्री, बड़े ध्यान से देखिएगा ये वाले जो पॉइंट्स मैं लिखने जा रहा हूँ, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इफ एनी, क्या मतलब है समझिए। इस पॉइंट को समझने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप एक बिजनेस हैं और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इस बिजनेस को यानी आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मैंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा, मैंने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करी है, कुछ कैपिटल लगाई। मान लीजिए आप एक बिजनेस है, मेरी दुकान है, लेते हैं मैंने 10 लाख रुपये आपको दिए, आप एक बिजनेस हैं, आप एक आदमी नहीं हो, थोड़ी देर के मान के चलिए आप एक दुकान हो, एक शॉप हो कोई, मैंने इस फर्म को शुरू करने के लिए अपनी पॉकेट से 10 लाख रुपए आपको दिए, बदले में ये बिजनेस यानी आप मुझे क्या दोगे, मुझे ये बताइए। मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने आपको क्या दिया, 10 लाख रुपए दिए, बदले में आप मुझे क्या दोगे वो बताइए। आपके जहन में आ रहा होगा कि हम प्रॉफिट देंगे, नहीं, प्रॉफिट मेरी मेहनत है, मैं इस बिजनेस में आता हूं, काम करता हूं तो प्रॉफिट जनरेट होता है, अगर मैं नहीं आऊंगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, मैं काम नहीं करूंगा प्रॉफिट नहीं होगा। एक बात मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि मान लीजिए मैं ये 10 लाख रुपए आपको नहीं देता, ये 10 लाख रुपए मैं ले जाकर किसी बैंक में जमा करा दूं, एफडी करा दूं बैंक में, मैं अगर बैंक में 10 लाख रुपए जमा करा देता हूं तो बैंक वाले मुझे उस 10 लाख रुपए पर इंटरेस्ट देते रहेंगे। बात क्लियर है? तो उस 10 लाख रुपए पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और मैं कहीं मजदूरी भी कर सकता हूं, कहीं जॉब कर सकता हूं, अपनी मेहनत का पैसा वहां से कमाता रहूंगा। तो मैंने बैंक में ना दे करके वो अमाउंट आपको दिया, तो आप क्या दोगे मुझे, प्रॉफिट तो मेरी मेहनत है, आप क्या दोगे, तो अब आपको देना पड़ेगा उस पर इंटरेस्ट। जिस तरीके से हम अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, तो कई बार बिजनेस भी अपने बिजनेसमैन को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देता है। यानी अगर हमें किसी पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, अगर देना है तो कितना देना है, पहली बात इफ एनी देना है कि नहीं देना, ये लिखा हुआ होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, लिखा हो कि कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं। दूसरी बात ये लिखा हुआ हो कि कितना दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हो, कितना दिया जाएगा, पहली बात देना है कि नहीं, दूसरी बात कितना देना है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर ये बात
ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, छोटे से वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और मैंने यहां भी लिख दिया इफ एनी। जिस तरीके से बिजनेसमैन ने अपना पैसा बिजनेस को दिया था उसको हमने कैपिटल बोला था, और बिजनेस से उस कैपिटल पर इंटरेस्ट लिया था जिसको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था। अब बारी बिजनेस की है, काम उल्टा हुआ है। ये है मान लीजिए बिजनेस, ये है बिजनेसमैन। इस बिजनेसमैन ने बिजनेस से कुछ पैसा निकाला जिसको हमने बोल दिया ड्रॉइंग्स। बात क्लियर? तो अब पैसा किसका है? बिजनेस का। और उस पैसे का यूज कौन कर रहा है? बिजनेसमैन। तो अब बिजनेस कहेगा, बिजनेसमैन बिजनेसमैन तुमने मेरा पैसा इस्तेमाल करा, उस पर इंटरेस्ट दो। तो अब बिजनेसमैन उस बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करेगा। तो यहां डीड में ये लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई ड्रॉइंग अगर पार्टनर ने करी है तो उसकी ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट हमें लेना है कि नहीं लेना। पहली चीज तो ये कि लेना है या नहीं लेना, अगर लेना है तो किस रेट से लेना, ये बात मेंशन होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर। चलिए जी, इसके बाद आगे बात करते हैं बच्चे। नंबर 5 है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, ब्रैकेट में लिख दिया इफ एनी। फिर वही बात, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोबारा से। हमारा बिजनेस है, आप पार्टनर हैं, ये पेन पार्टनर है और एक मैं पार्टनर हूं, हम तीन लोग पार्टनर हैं, तीनों ने काम बांटे हुए हैं। अब हमारी दुकान में झाड़ू लगाने का, मकड़ी के जाले साफ करने का, साफ सफाई करने का काम करने के लिए हमें एक छोटू की जरूरत है। हम तीनों पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि यार एक छोटू को बुला लें, तो छोटू आएगा, झाड़ू भी लगाएगा, हमें पानी भी पिलाएगा, साफ सफाई भी कर दिया करेगा। तो ऐसे ही हम बात कर रहे थे, आपने पूछा कि छोटू कितनी सैलरी लेगा, मैंने कहा छोटू 5,000 रुपये महीना सैलरी लेगा ही लेगा कम से कम। तो हमने कहा 5,000 रुपये सैलरी छोटू को देंगे, वो साफ सफाई करके चला जाएगा एक घंटे में। इस पर आप क्या बोलेंगे? आपने बोला, आपके दिमाग में लालच आ गया कि अच्छा छोटू सिर्फ झाड़ू लगाएगा, थोड़ी सी साफ सफाई करेगा, थोड़ा सा पानी पिला देगा, उसे 5,000 रुपये दोगे। हमने कहा हाँ भाई देने पड़ेंगे। आप तुरंत बोले कि छोटू वाला काम मैं करूंगा, आप तैयार हो गए करने बोलने के लिए इस चीज के लिए कि छोटू का काम आप करेंगे, यानी झाड़ू आप लगाएंगे, साफ सफाई का काम आप करेंगे, पानी आप पिएंगे। और आपने कहा कि बदले में मुझे वो सैलरी दे देना जो छोटू को दोगे। यानी अगर कोई पार्टनर फर्म के लिए काम करता है तो ऐसे पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना है या नहीं, पहले तो ये तय करना है कि देना है या नहीं। कि अगर कोई पार्टनर फर्म के लिए काम करता है तो ऐसे पार्टनर को उसके बदले में सैलरी या कमीशन देना है या नहीं, अगर देना है तो कितना देना है। नंबर 6 पे हम लिख लेते हैं पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अच्छा यहां पर हमें लिखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मैं रेट की यहां लिख देता हूं बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसका मतलब क्या समझ लीजिए, मान लीजिए हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, हमें और अमाउंट की जरूरत है। तो हम आपस में बैठकर डिसाइड कर रहे थे कि हमें 1,00,000 रुपये की और जरूरत है। हमने कहा चलो भाई अपने अपने घर से थोड़ी थोड़ी और कैपिटल लेकर आओ, जिसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल। तो हमने कहा अपने अपने घर जाओ सारे पार्टनर, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट, हमें 1,00,000 रुपये चाहिए, सब लोग तकरीबन 3,000 जो है अपने घर से लेकर के आ जाए एडिशनल कैपिटल के। सब पार्टनर्स गए घर से वापस खाली हाथ, अगर बोले हमारे पास कोई पैसा नहीं है एडिशनल कैपिटल के लिए। बात क्लियर? हमारे पास कोई पैसा नहीं है एडिशनल कैपिटल के लिए, बात खत्म हो गई। लेकिन इससे हम अपने आइडिया को खत्म नहीं करते। हमने एक बार सोच लिया कि हमें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो करना है, और उसके लिए 1,00,000 रुपये की जरूरत है। तो अब क्या ऑप्शन है? अब ऑप्शन है कि हम बैंक से लोन ले लें। तो जब हमने कहा कि हम बैंक से लोन ले रहे हैं, तभी आप जैसे पार्टनर बोले अच्छा आप अगर बैंक से लोन लोगे तो बैंक वाले तो इंटरेस्ट लेंगे। हमने कहा हाँ यार लेंगे, देना पड़ेगा।
और बैंक वाले तो परेशान भी करेंगे। हमने कहा भाई वो पैसा देंगे तो परेशान तो थोड़ा बहुत करेंगे करेंगे वो। अच्छा आप उनसे पैसा लोगे, वो आपको परेशान करेंगे और आप उनको इंटरेस्ट दोगे। हमने कहा हाँ मजबूरी है, करना पड़ेगा। इस पर आप बोले कि आप लोन मुझसे ले लो, आप तो चालाक हैं, लालच आ गया आपके दिमाग में। आपने क्या कहा कि आप लोन का अमाउंट बैंक से ना लेकर के मुझसे ले लो, यानी एक पार्टनर फर्म को लोन देने के लिए राजी हो गया। पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, बैंक नहीं। तो और पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, कैपिटल भी नहीं दी, ये ध्यान से समझना बच्चे। पार्टनर ने फर्म को कैपिटल नहीं दी, क्या दिया है, लोन अमाउंट दिया है। तो ऐसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पार्टनर के लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट अब देना ही देना है। कितना देना ये बात लिखी हुई होनी चाहिए डीड में, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा, ये चीज लिखी हुई होनी चाहिए। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप कॉपी कर लीजिए एक बारी। आज की क्लास का जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको शुरू करते हैं हम। थ्योरी का टॉपिक है वो कि मेन प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और एब्सेंट, कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंट है, ये हमने नहीं बनाई। मतलब इसका यही है कि अगर हमने डीड नहीं बनाई, रिटन एग्रीमेंट हमारे पास नहीं है और पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो जाए, जब रिटन में नहीं बना हुआ एग्रीमेंट, डीड नहीं है, तो पार्टनर्स के बीच में कल को लड़ाई हो सकती है। कल को मैं कहूं कि सारा का सारा प्रॉफिट मेरा है, हम तीन पार्टनर्स थे, आप मेरा पेन और मैं, हम तीन पार्टनर्स हैं, तो हो सकता है मैं कहूं सारा का सारा प्रॉफिट मेरा, आप कहो सारा का सारा प्रॉफिट मेरा, किसी भी बात पर लड़ाई हो सकती है। तो हम जब लड़ेंगे तो कहां जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, नहीं नहीं भाइयों के पास नहीं जाएंगे। कभी तुम सोचोगे सर जी दादागिरी करेंगे, गुंडे बदमाश के पास जाएंगे, वो नहीं, हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में जज साहब बैठे होंगे, वो एक्ट को कानून को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद डिसीजन लेंगे। तो उस कानून में क्या क्या लिखा है वो डिस्कस करने जा रहे हैं अब। तो उसमें पहला पॉइंट है इफ डीड इज साइलेंट, तो सबसे पहली चीज जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी क्वेश्चन में वो ये है प्रॉफिट शेयरिंग हमेशा इक्वल होगी। किसी पार्टनर ने कम कैपिटल लगाई, किसी ने ज्यादा लगाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पार्टनर कम काम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई करता ही नहीं है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वल बटेगा। अगर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट की शेयरिंग इक्वल इक्वल होगी, यानी सभी पार्टनर्स को बराबर बराबर का प्रॉफिट मिलेगा। ये बात क्लियर है, आगे चलते हैं। नंबर टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई, बाद में लड़ाई हो रही है कि इंटरेस्ट, कोई कहता 5% लेंगे, कोई कहता 6% लेंगे। आईपीए क्या कहता है, आईपीए कहता है कि अगर डीड साइलेंट है, रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं है, तो आप कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, यानी बिजनेस कैपिटल पर इंटरेस्ट देगा ही नहीं। चलिए जी नंबर थ्री क्या कहता है, कहता कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर डीड साइलेंट है और पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की है तो उन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। चलिए जी नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है सैलरी और कमीशन, सैलरी या कमीशन, इसको रेम्यूनरेशन बोलते हैं बच्चे, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर। कोई पार्टनर फर्म के लिए काम करता है तो ऐसे पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी, नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना भी काम करे, कुछ भी हो, नहीं मिलेगा। डीड में लिखा होता तो बिल्कुल मिलता है डीड के अकॉर्डिंग, जब डीड नहीं है तो नहीं मिलेगा। नंबर फाइव एंड नंबर लास्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो ऐसे पार्टनर के लोन पर हम हमेशा 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देंगे। या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी हुई हो,
अगर नहीं लिखी तो हम कितना देंगे इंटरेस्ट, 6% पर एनम। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता तो इनडायरेक्टली जरूर आएगा, इसलिए आप इन चीजों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के रिकॉर्ड कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज।